टीम के सभी साथीगण, मौजूदा प्रधान जी, हमारे सामने दो दो प्रधान पूर्व बैठे हैं, प्रेम नारायण जी और हमारी पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय मुनीर शुक्ला जी, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय रघुनाथ यादव जी, जिला पंचायत सदस्य भाई सैलू सोनकर जी, SC ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई रंजन पासवान जी, भाई हमारे इस ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके एडवोकेट शिवकरण जी, भाई रमाकांत पाल जी, भाई सुरेंद्र जी, सभी सम्मानित साथी, ये गांव हम आज से नहीं, हम नाबालिग थे तब से आ रहे हैं। बताया तो गंगा सिंह जी, पूर्व प्रधान रमेश कुशवाहा, इस गांव में हम तब 15-16 साल के थे, तब भी दूध के लिए आते थे कि नहीं आते थे, तब दूध का पीपा उठा नहीं पाते थे, तो अभी यहाँ दूध लेने आए। और ये मेन रोड आपका जो मंदिर के लिए मेन रास्ता जाता था, वहां बरसात के दिनों में इतनी टांकों से पानी होता था, कभी कभी तो ऐसी बाढ़ आती थी कि पीपा उसी में उतराता हुआ घसीटते चले जाते। हम यहाँ MLA बने, सबसे पहले अगर हमने काम किया तो ऐतिहासिक मंदिर के लिए हमने वो रास्ता बनवाने का काम किया था कि नहीं किया? और हम आप तो एक बंबा के पानी के नहाए भाई, उसी पानी से तुम नहाए, उसी पानी से हम नहाए, तो हम आपसे निवेदन करने आए कि पहले के समीकरणों में, इस बार के समीकरण में जमीन आसमान का अंतर है। अगर गंगा सिंह और इनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बन पाई हैं, रमेश जी प्रधान बन पाए हैं, दलित समाज के प्रधान बन पाए हैं, तो ये संविधान की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन। जो चीज बिना मांगे मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत में पैदा होने वाले किसी भी जात धर्म के आदमी को इतनी बड़ी डॉक्टर पाल भी आ गए, इतनी बड़ी ताकत देने का काम किया, जितनी बड़ी ताकत अधिकार पूरे हजारों वर्षों में युगों को में न कोई दे सकता। आज उस अधिकार के बचाने का चुनाव आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, लोग उनके सपनों वादे में फंस कर पूरे देश की संपत्ति मोदी जी ने बेच दी। लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं है कि अगर एयर इंडिया एयरपोर्ट बिक गया तो हमारा था, समझते हैं सरकार का था, बेच दिया। रेलवे प्लेटफार्म अडानी अंबानी को, BSNL पेट्रोलियम अडानी अंबानी को, NTC मिले, आर्डिनेंस फैक्ट्री अडानी अंबानी को, और ये डिफेंस कॉरिडोर है, 400 एकड़ जमीन किसानों की एक्वायर की, सरकार ने 4 गुना मुआवजा तो दिया किसान को, लेकिन सरकार ने मुआवजा अदा करने के बाद एक रुपए बीघे के हिसाब से 400 एकड़ जमीन अडानी को दे दी। वहाँ डिफेंस कॉरिडोर सरकार का नहीं, अडानी का बोर्ड लगा है कि नहीं लगा भाई? भाई तो सारे देश की संपत्ति अडानी अंबानी को बेच चुके हैं। दो गुजराती बेचने वाले हैं, अमित शाह और मोदी जी, और दो गुजराती खरीदने वाले हैं, अडानी और अंबानी। और इस देश के 140 करोड़ लोग ताली बजा रहे हैं या थाली बजा रहे हैं? तो साथियों, कुछ बचा नहीं है। अब तो यहाँ तक अहम चरम पर चढ़ गया है कि बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बदलने के लिए 400 पार की बात कर रहे हैं। 400 पार होने का मतलब है बाबा साहब का संविधान नहीं रहेगा, आपको वोट डालने का अधिकार नहीं रहेगा, आपको पढ़ने लिखने आगे बढ़ने का कोई
अभी उन्होंने कहा इसी सत्र में कि हमें आरक्षण में कोई दिलचस्पी, अब उन्हें लग रहा है ये आग की तरह धरती फैल रही बात, तो आप कह रहे हैं कि हम आरक्षण से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि हम तो आपके घर के हैं, बगल के हैं, 24 घंटे हमारा मोबाइल खुला रहता है, हमारे पिता का जानो, चाचा का जानो, भाई का जानो, हमें जानो, और हमें तो रास्ता में रोक के अगर अंधेरे में गाड़ी निकल हुई तो चौराहे में लोग जान लेते ना पाल साहब जा रहे हैं, उतर के बैठते हैं कि नहीं बैठते, क्यों भाई इसी जगह। तो इसलिए आपसे निवेदन है, और जिसको 10 साल में मोदी जी की गारंटी में वोट दिया है उसका एक काम तुम नहीं बता सकते, एक बार चेहरा भी देखने का काम नहीं किया है। हमने जब काम के हिसाब से देखो तो हमसे ज्यादा काम किसी ने किया नहीं। हमने कानपुर से स्टेट हाईवे बनवा दिया, नहीं है घाटमपुर पहुंचे में जाए में कानपुर 3-3 घंटा लगते थे, लोग बाग उधर बड़ी पाल हुई के और साढ़ होके जाते थे। 4000 मेगावाट का पावर प्लांट लगवा दिया, जहाँ तुम्हारे नाते रिश्तेदारों को 5 किलो गल्ला नहीं पैदा होता था 5-5 लाख का मुआवजा मिल गया। वहाँ लोग यमुना किनारे कोई खेते शादी नहीं करना चाहते थे, आज वही गाड़ियां दे रही तो उनके यहाँ दौड़ के शादी कर रहे। अगर वो पावर प्लांट चल गया होता तो सैकड़ों उद्योग घाटमपुर के आसपास लग जाते, लाखों लड़के रोजगार पा जाते। लेकिन बताते तो ये है कि वो MP रात में गेस्ट हाउस में रुकता है, सुबेरे अटैची मान लेके चलेगा लोग कहते हैं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि ये चुनाव अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, बाबा साहब संविधान को बचाने के लिए, दलित पिछड़ों का आरक्षण बचाने के लिए, इंडिया गठबंधन ही है जो तानाशाह को गद्दी से उतार सकता है। जितने नेता डर गए वो सब BJP में चले गए, कोई ED से डर रहा है, कोई CBI से डर रहा है, कोई IT से डर रहा है, सारे नेताओं को या तो उधर चले गए। बिना डरे बिना रुके अगर तानाशाह को कोई चैलेंज करता नजर आता है तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा करने वाले राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता जाता है। यहाँ अगर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने में किसी की हैसियत है, ताकत है, तो उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, उस नेता का नाम माननीय अखिलेश यादव है, उसका कोई नहीं। जिस दिन से इंडिया गठबंधन में शामिल हुए माननीय अखिलेश यादव, CBI जांच शुरू करा। तुम CBI जांच कराओ, चाहे ED से जांच कराओ, चाहे IT से जांच कराओ, अब ये दो नेता रुकने वाले नहीं है, न डरने वाले हैं, ये तुम्हें गद्दी से उतार करके गुजरात भेजने से पहले रुकने वाले नहीं है। इंडिया गठबंधन की कोई इसी पार्लियामेंट में नहीं, सभी जगह तेज आंधी चल रही है, दलितों से, पिछड़ों से, अकलियत के लोगों से, आदि आबादी और अगड़े समाज के वो लोग, माननीय अध्यक्ष जी जैसे लोग जिनका आजादी में योगदान है, वो सारे अगड़े समाज के लोग इस समय इंडिया गठबंधन के साथ है। इंडिया गठबंधन का चुनाव चिन्ह आपके भाई आपके बेटे का चुनाव चिन्ह साइकिल है, साइकिल इतनी तेज दौड़ा दो गर्मी की परवाह किए बिना, धूप की परवाह किए बिना 90% वोट डालने का काम करोगे। इसके लिए अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए, अपना आरक्षण बचाने के लिए और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए, ये गांव नाली खरंजा चक्रोट चबूतरे की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। इस चुनाव में बिना डरे बिना बटे बिना किसी नई गारंटी में फंसे इंडिया गठबंधन के चुनाव चिन्ह साइकिल को वोट देने की अपील करने आया हूँ। आपसे पुनः मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, हम आपके स्वाभिमान सम्मान के लिए, मुश्किल परेशानी के लिए, सुख दुख में जब भी याद करोगे, हमारे मोबाइल 24 घंटे खुला रहता है, हमारा मोबाइल मेरी बीवी और मेरा PA उठाने का काम नहीं करता, मैं स्वयं उठाता हूँ और पलट के आपको जवाब देने का काम करूँगा। और हम तो यहाँ चुनाव से पहले भी बाबा के मंदिर में मीटिंग कर गए, लड़कों को क्रिकेट में जिसकी ये बात कर रहे थे उन्हें बुला लो, उसमें 200-400 लोग थे तब भी मीटिंग कर गए, आज फिर इधर आया है तो इधर आए, बीच में बैठ के गए। आपसे निवेदन है कि हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है और साइकिल चुनाव चिन्ह इंडिया गठबंधन का है। आप सभी से अपील है
कि बड़े पैमाने में सहयोग करने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।